हेलो किड्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर बुक। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आज हम लोग क्या कंप्यूटर के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, और दूसरी मशीन्स के बारे में भी जानेंगे, और कंप्यूटर वर्क कैसे करता है ये भी हम लोग इसी चैप्टर में आज जानने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। डू यू नो वट दीज आर? ट्रेस ऑन द डॉट्स गिवन ब्लो टू गेट देयर नेम्स। आप जानते हैं सारी चीज़ें क्या हैं। दिस इज़ अ स्मार्टफोन, दिस इज़ अ कंप्यूटर, दिस इज़ अ टैबलेट। आपको क्या करना है, ये स्पेलिंग्स लर्न करनी है और इसको ट्रेस भी करना है। डन। बिफोर वी लर्न अबाउट कंप्यूटर्स, लेट अस नो अबाउट मशीन्स। कंप्यूटर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग मशीन के बारे में जानेंगे। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, These are machines। ये सारी pictures आप देख रहे हैं, फ्रिज, seesaw, crane, car, ये सब क्या हैं? These are machines। Machines are made by humans। Machines work very fast। Machine make our work easy। Machines help us to save time। Machine जो है human ने बनाई है और इससे work बहुत fastly होता है, और मशीन से हमारा वर्क जो है वो बहुत इजी हो जाता है, और मशीन की हेल्प से हम अपना समय भी बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं जाना है तो हमारे पास कार होगी, कार इज़ अ मशीन ना, तो हम कार से जल्दी पहुंचेंगे या पैदल पैदल जाके जल्दी पहुंचेंगे? कार से ना, तो कार ने हमारा क्या समय बचाया ना, उसने हमारे टाइम को सेव किया। ओके। और अगर हमें कोई वर्क करना है, सपोज दैट वो आपने क्रेन देखा होगा, वो रोड पे बनाते हैं टूल्स, इधर उधर बड़े बड़े टूल्स होते हैं, इधर उधर करते हैं लोग, उठाते हैं, तो अगर ये क्रेन नहीं होता तो कैसे उठता? बहुत सारे लोगों को यूज़ करना पड़ता, बहुत सारे लोग आते फिर उठाते, और इस क्रेन से क्या होता है, वर्क बहुत ईजी हो जाता है, होता है ना, और फास्ट भी हो जाता है वर्क। ओके। नेक्स्ट, वट मेक्स दीज मशीन्स वर्क। अब इन मशीन को वर्क, ये मशीन जो है, इन मशीन वर्क कैसे करती हैं, कौन कराता है वर्क? सी, दिस इज़ अ बाइसाइकिल। बाइसाइकिल कैसे वर्क करती है? इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन्स। ये इंसानों के द्वारा काम कर, इंसान इसको चलाते हैं, मतलब हम लोग इसको चलाते हैं तब तो ये चलती है ना। और एयर कंडीशनर कैसे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है। नाउ योर स्कूल बस, इट वर्क्स ऑन फ्यूल, और ये फ्यूल से वर्क करता है। इसमें फ्यूल डालते हैं, इसकी टैंक में भरते हैं, और ये तब रोड पे चलती है। ओके। कंप्यूटर, आ कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन। कंप्यूटर भी एक मशीन है। इट मेक्स आवर वर्क ईजी। इट इज़ ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। कंप्यूटर भी एक मशीन है और ये हमारे वर्क को ईजी कर देती है, और ये बहुत बहुत डिफरेंट, मतलब कई साइजेस में होता है, कई सारे इसके शेप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। सी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है। लैपटॉप कंप्यूटर, इट वर्क्स ऑन बैटरी। ये लैपटॉप है और ये बैटरी से चलती है, इसमें बैटरी लगती है। नेक्स्ट, टैबलेट और स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो आपके पास होगा ही ना, दे वर्क ऑन बैटरी। ये दोनों बैटरी पे वर्क करते हैं, बैटरी से वर्क करते हैं। ओके। नाउ कंप्यूटर, अ स्मार्ट मशीन। लेट अस लर्न हाउ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन। और अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर जो है कैसे एक स्मार्ट मशीन है। स्टार्ट। फर्स्ट, आई नेवर गेट टायर्ड। मैं कभी नहीं थकता हूँ। आई रिमेंबर मैनी थिंग्स। मुझे बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद रहती हैं। आई वर्क वेरी फास्ट। मैं बहुत जल्दी वर्क करता हूँ। आई कैन डू मैनी थिंग्स एट अ टाइम। मैं एक से ज़्यादा कई चीज़ें एक साथ कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई, ड्राॅइंग, प्लस, सब कुछ। देखा कंप्यूटर कितनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहा है। आई नेवर मेक मिस्टेक्स। और मैं कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता हूँ ना, कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता है। प्लस उसको देंगे आप, तुरंत वो प्लस करके दे देगा। ओके।
Read aloud. Computer, machine, electricity, fuel, remember and mistakes. इन वर्ड्स को आपको रीड करना है, इनकी स्पेलिंग लर्न करनी है और बोलना है. नेक्स्ट योर एक्सरसाइज सेक्शन ए पिक्चर क्विज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन. इनमें से कौन सी चीज मशीन है. फ्लावर. फ्लावर इज अ मशीन. ये ह्यूमन ने बनाई है. नहीं तो ये तो नेचुरल है. तो ये दिस इज नॉट अ मशीन. बाइसाइकिल. यस दिस इज अ मशीन. आप यहाँ पे टिक करेंगे. ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन वर्क्स ऑन बैटरी. इनमें से कौन सी मशीन बैटरी पे वर्क करती है. फ्रिज. फ्रिज तो आपके घर में होगा, तो आप इसको कैसे चलाते हो. इसकी इसके वायर वायर को आप कहाँ लगाते हो. प्लग में लगाते हो ना, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. और ये सी सॉ पे आप और आपके फ्रेंड बैठते हैं तब ये वर्क करता है. तो ये भी तो बैटरी से नहीं चलती है. और दिस इज अ टैबलेट. टैबलेट कैसे चलता है. बैटरी से. ओके नाउ टेक राइट हेयर. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. आपको क्या बताना है. जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क नहीं करती है, जिसको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है. तो एसी आपके घर में होगा, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है ना. यस. और कंप्यूटर. कंप्यूटर के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसका वायर लगता है ना बोर्ड में. और दिस इज़ अ क्रेन. और क्रेन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. नहीं, क्रेन तो बहुत दूर दूर जगह जगह जाता है, तो कैसे ये वायर से दूर दूर जाएगा. क्रेन फ्यूल से काम करता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं करता है. यही ना टिक करना है आपको. नाउ टिक हेयर. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस सेव टाइम. इनमें से कौन सी चीज आपके समय को बचाती है. टेडी बियर, लैपटॉप और बॉल. लैपटॉप. लैपटॉप से हमारा समय बचता है, टाइम बचता है. इससे कोई वर्क होता है तो हम लोग करते हैं ना, तो हमारा वर्क फास्ट हो जाता है. सपोज दैट हमें बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे. लैपटॉप में अगर डाल देंगे वो तुरंत 2 सेकंड में वो आंसर उसका दे देगा. तो ये हमारे टाइम को क्या करता है, सेव करता है. नाउ टेक हेयर. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ द मशीन्स दैट वर्क ऑन फ्यूल. इन सर्कल देयर नेम्स इन द वर्ड बॉक्स. यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो फ्यूल पे वर्क करती हैं. सी दिस इज बस. तो ये फ्यूल पे वर्क करता है ना, फ्यूल से काम करता है. और व्हाट इज दिस. दिस इज शिप. शिप कैसे वर्क करती है, ये भी फ्यूल से वर्क करती है. और ट्रक. ट्रक को भी वर्क करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है. और फैन. फैन तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. तो आपको किसके किसके नेम इस बॉक्स में ढूंढने हैं. बस, शिप और ट्रक. नाउ स्टार्ट. बस BUS बस. शिप SHIP शिप. ट्रक TRUCK ट्रक. डन. नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग हाउ इज अ कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम यू. राइट यस और नो. कंप्यूटर आपसे अलग कैसे है. तो आप यस या नो लिखकर आप बताएंगे. नाउ स्टार्ट. कैन यू रिमेंबर थिंग्स. नो. आप सारी चीजें याद कर पाते हैं. नो. कैन अ कंप्यूटर रिमेंबर थिंग्स. यस. राइट हियर यस. डू यू फॉरगेट थिंग्स. यस. हम कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं. डज अ कंप्यूटर फॉरगेट थिंग्स. क्या कंप्यूटर भूल जाता है. नो. डू यू गेट टायर्ड. क्या आप थक जाते हैं. यस. आप थकते हैं ना, रात को सो जाते हैं थक कर. डज अ कंप्यूटर गेट टायर्ड. नो. कंप्यूटर नहीं थकता है. डू यू मेक मिस्टेक्स. क्या आप गलती करते हैं. यस. डज अ कंप्यूटर मेक मिस्टेक्स. क्या कंप्यूटर मिस्टेक करता है. नो. डन. एक्टिविटी आइडेंटिफाई इच पिक्चर एंड राइट इट्स फर्स्ट लेटर
अंडर द पिक्चर टू गेट अ न्यू वर्ड. आपको इन पिक्चर्स के नीचे उसका फर्स्ट लेटर लिखना है स्पेलिंग की, और फिर एक न्यू वर्ड बनेगा. लेट्स स्टार्ट. सी फॉर कार, ओ फॉर ऑरेंज, एम फॉर मंकी, पी फॉर पिकॉक, यू फॉर अम्ब्रेला, टी फॉर टॉर्टोइस, ई फॉर ईयर, आर फॉर रैबिट. नाउ द वर्ड इज कंप्यूटर. ओके, नाउ योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट. ओके, बाय.